फ्राइड फिश है पूरी, आप देखें और कितनी जूसी है और कितनी टेंडर है, ये देखिए कितनी सॉफ्ट और टेंडर है ये, तो देखने में ही मुंह पे पानी आ रहा है इससे, राइट। ये मुश्के का फिंगर है, ओरिजिनल मुश्का, ये भी है उसी का। फिंगर हो गया कैमरा भी। अच्छा ये किसका फिंगर है बेटा? ये जल्दी में मैंने इस पर रिकॉर्डिंग सही होती है। ये भाई ये देख, ये फिंगर, ये 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 मच्छी दे करीम भाई, करीम भाई ये जो माल उतार रहा हूँ ये जूसी माल है मेरा भाई। कैसे जाएंगे बेटा? ट्रे दे दो, कट मार के हाँ ट्रे दे दो, ट्रे भाई। ये माल जो रेडी हो रहा जूसी माल है मेरा भाई, स्पाइसी जूसी फुल जूसी माल है, स्पाइसी। ये रहा एक किलो फिंगर ये आ गया। ये लो भाई माल बेटा बताओ। ये लगा उसका ये फिर हरी मैरिज मैर हरी मैरिज मैर उस समीर भाई। ये भाई ये किसके है? यो बड़े सर्विस का, बड़े सर्विस का इजाज़ को लगाओ। इजाज़ भाई इजाज़ ये इसको भी आई पी उसमें लगाओ, आप ग्राउंड में लगाओ, आपको लगाओ सारा दे। चलो बेटा इजाज़ वाला करो, Thank you.
चीज के मेरे ख्याल से ये कितने पैलेट में करना चार फीट में डाल चार फीट में डाल बस ये तो हरी मिली मार ऊपर मार साल बाद ये पकड़ो मैं मारता हूँ हरी मिली बस बस इसे मकर बोलो सर यार सही है एक प्लेट और रख मैंने डाक प्लेट रख दिया उड़ा प्लेट रख तू मारो यार पकड़ इसको पकड़ इसको पकड़ ट्रेल का ट्रेल कर दे कहाँ तेरी ये सुना यार तेरे उठा ना ये पकाए बिंदे ये पकाए बिंदे उसी का ना हाँ उसी का इसी के साथ जाओ ट्रेल का अकेला नहीं क्या बिस्किट भी है बिस्किट किधर से गए हुए कढ़ाई वाले बाल के साथ से नर बिंदर आ गए ये ना सर ये अलग कौन है एक ही एक ही सारा एक ही है दूसरा क्या है अरे सारे ट्रे तुमने अपने ले लिए तो मैं किससे काम करूँगा भाई सब उसमें बीमार वो भी नहीं है सर आपके पूरे माल आ गया अच्छा ये वाले भी है ये आपके दूसरे वाले ये ले जाओ चल भाई ये कच्चा गिरिल हुआ पता जब पकेगा तो इतना सारा बोला था तुम्हें हल्का मसाला कौन सा है एक कुंदे एक छोटा वाला फिलो है झींगे बस सही हल्का मसाला मारो साहब का भाव है देख ओए तेरे चाची को तुम ये कौन सा
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब, सर्दी का मौसम है, दिसंबर का महीना है, और जब सर्दी के मौसम की बात हो और खाने पीने की बात हो, स्ट्रीट फूड की बात हो, तो भाई मछली का नंबर सबसे पहले होता है। बल्कि सॉरी, मैं गलत कह गया, मछली का नहीं, सी फूड का नंबर सबसे पहले होता है। तो इसीलिए आज हम यहाँ पर मौजूद हैं कराची की सबसे मशहूर जगह सी फूड के लिए, जो हसन स्क्वायर पर वाक़ है, और इसका नाम है न्यू खान क्वेटा फिश। और ये वो जगह है जहाँ पर आपको बेहतरीन किस्म के फिश और सी फूड मिल सकते हैं, और यहाँ पर आप शिप लाएँ और यहाँ पर आके एंजॉय करें। और ये जगह ऐसी है कि यहाँ पर सी फूड की जो क्वालिटी होती है वो सबसे अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसलिए लोगों की रिकमेंडेशन पे फिर हम यहाँ पर आए और आपके लिए ये ब्लॉग बनाया है। जो हमें सर्व किया गया है वो क्या है, आइए देखिए जी। ये सबसे पहले हमें उन्होंने दिया है, ये फिंगर फिश है। पहले मैं इसको प्रॉन समझ रहा था, लेकिन ये फिंगर फिश है। ये देखिए इतनी टेंडर है, इतनी सॉफ्ट है, ठीक है। और इसको हम पहले चेक करते हैं, इसको हम पहले चेक करते हैं। ये हमने दिया और इसको हम चेक करेंगे। ये इनकी चटनी है, स्पेशल चटनी है, पुदीने की चटनी होती है, और सुना है बड़ी तारीफ सुनी है इसकी, तो इसको चेक करते हैं। बेहतरीन फिश तो है ही अच्छी, लेकिन जो पुदीने की चटनी है, ये पुदीने की चटनी है, इसका जवाब नहीं। और जब फिश और पुदीने की चटनी का कॉम्बिनेशन बनाए, वो लाजवाब है, बेहतरीन है। अब दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं, देखिए ये हमारे सामने फिश है, और बल्कि ये पूरी ही फिश उन्होंने तल दी है, फ्राइड फिश है पूरी, आप देखें और कितनी जूसी है और कितनी टेंडर है। ये देखिए कितनी सॉफ्ट और टेंडर है, तो देखने में ही मुंह पे पानी आ रहा है इससे। इसको हम चेक करते हैं, ये देखें, वाओ बेहतरीन। इसको हम चेक करते हैं सबसे पहले इसी फेवरेट चटनी के साथ। वाह, इतना बेहतरीन स्वाद है इसका, इतना बेहतरीन टेस्ट है। किसी ने हमें यहाँ रिकमेंड किया था आने को, बहुत सही किया, मुझे वाकई बहुत अच्छा खाना है यहाँ का। इसके अलावा ये कढ़ाई है, कढ़ाई है, लेकिन हम कढ़ाई को, इसको भी चेक करके बताते हैं आपको। डेकोरेशन देखें आप, हाँ जी, इसकी डेकोरेशन देखें कितनी अच्छी की है इन्होंने। थोड़ी सी मुझे ऑयली लग रही है, लेकिन कढ़ाई जब तक ऑयली ना हो, कढ़ाई का मज़ा ही नहीं आता। मैं सोच रहा था कि मैं कोई नेगेटिव चीज़ बोलूं कि इसमें मिर्च कम है, मसाला कम है, या नमक कम है, या ज़्यादा है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा मिल नहीं रहा कि मैं बताऊं कि ये चीज़ कम है, ये चीज़ ज़्यादा है, परफेक्ट है। तीन आइटम्स हैं, तीनों आइटम्स परफेक्ट हैं, ये भी, ये मछली भी, और ये कढ़ाई भी, तीनों आइटम हैं और तीनों परफेक्ट हैं। अगर आप स्ट्रीट फूड लवर हैं और स्पेशली आप सी फूड लवर हैं और आप अभी तक यहाँ नहीं आए, तो आपने बहुत कुछ मिस कर दिया। तो इससे पहले कि सर्दियाँ ख़त्म हो, आप सबसे पहले यहाँ आइए, विज़िट कीजिए, और आप फिर मेरी बात का यकीन करेंगे, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।